ये चक्कर ये बाइक की हालत क्या है, मेरे को लगता है इसका पैनल ही गया हुआ है शायद से। भाई ये चेक करो, यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी है, ये भी स्क्रैच लगा हुआ है, तो इन दो जगह भी स्क्रैच पड़े हुए हैं भाई, यहाँ भी स्क्रैच लगे हुए हैं। घर वाले मेरे पीछे पड़े कि उन्होंने बोला कि जिससे बाइक ली उसको वापस दे दो भाई। क्यों यार, देखना तुझे भी इतनी लग गई यार, घर वालों को पता कितनी ज्यादा फ्रैक्चर हुआ है पूरा। ये चीज है, ये चीज पूरा मेरा हाथ ऐसे था। कुछ मेजर तो नहीं है, यहां से बची हुई थोड़ी सी होगी, ठीक कर देंगे वो तो, फेयरिंग का देख लेंगे, उसका रैप शैप करवा देंगे दोबारा से और खर्चा करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। अभी तो मुझे कुछ शर्म आ रही ना, मैंने आपसे कल झूठ बोला ना, कोई सीन नहीं है यार। ये पूरा ब्रेक हुआ, पता नहीं कैसे किधर ठोक दी है, ये देखो ना। तो फाइनली 2 दिन के बाद आ चुका हूँ मैं अपनी बाइक पे वापस। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आज शोरूम, क्योंकि बाइक की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो इसकी हैंडल है वो भी टेढ़ी लग रही है मुझे इस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो मैंने नहीं चलाई थी, तो आज चला रहा हूँ तो इस टाइम लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा टेढ़ी है ये। और जिस साइड ब्रेक मारते ना, राइट साइड जिस साइड से मैं गिर रहा हूँ उस साइड से देखो, नीचे फुटरेस्ट नहीं है, मैंने पाँव अटकाया हुआ है, ये देखो मैंने अटकाया हुआ है पाँव। तो पहले हॉस्टल भी चलना है मुझे। तो अभी हमारे फ्रेंड कॉल कर रहे थे, तो उनको मैंने बोला जीएमसी आने के लिए, तो वो जीएमसी आ जाएंगे। पहले मैं सबसे पहले इसमें फुटरेस्ट डलवाऊँगा यार, सबसे पहले मैं फुटरेस्ट डलवाऊँगा, उसके बाद बाकी का काम करने वाला हूँ, क्योंकि फुटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाँव ही नहीं रह पा रहा है मेरा। और फुटरेस्ट अगर होता थोड़ा मैं मूवमेंट कर लेता पाँव को, तो कंफर्टेबल फील हो जाता। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले सीट पे बैठा हूँ मैं, जो पीछे वाली सीट है उस पे बैठा हूँ मैं, तो वहाँ से बाइक चला रहा हूँ बैठ के, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है 6'4" है मेरी हाइट, तो उसकी वजह से मुझे कंफर्टेबल फील होता है पीछे बैठ के भी। इतना है कि कन्फर्म है टांग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरे को आज। तो उसकी बाइक का भी एक्सीडेंट हुआ है, वो जो दूसरा बंदा था जिसको हमने बाइक सेल करी हुई है 390, भाई उसने KTM RC 390 का एक्सीडेंट कर दिया हुआ है। हमको पता नहीं था कि 390 का एक्सीडेंट हुआ है, हमको लग रहा था कि भाई उसका बोल रहा था पैशन पे हुआ है, तो पैशन प्रो पे ही हुआ होगा एक्सीडेंट। जहाँ मैं फुटरेस्ट का पूछूंगा भाई, फुटरेस्ट क्या लगवा लूँगा इसको जल्दी से जल्दी। तो फाइनली गाइस हमारी पेमेंट हो गई है, फुटरेस्ट भी लग चुका है, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं फुल पावर। ये देखिए हमारे पास दोनों वुल्फ है, वुल्फ नहीं कह सकते बट कलर जो है वो सेम वुल्फ के जैसा था, इसका जो कलर है अभी इनने चेंज किया, मॉडिफाई करी हुई है। यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे मेरे को गाड़ी वाले ने हिट करा, मैं आराम से चल रहा था, यहाँ पे मेरे को गाड़ी वाले ने हिट करा और मेरी बाइक वहाँ से लेके यहाँ तक आई, यहाँ तक पहुँचा मैं परसों। यहाँ आगे नाका लगा हुआ था क्या लगा हुआ था, बट यहाँ पे परसों नाका लगा हुआ था क्या लगा हुआ था समझ कुछ भी नहीं है मुझे उस टाइम, पता नहीं है कि गाड़ी वाला भागा कहाँ से, क्या हुआ, इस साइड चले गया, बाकी बहुत वाली साइड चले गया या ऊपर नरवाल वाली साइड चले गया, क्योंकि मैं तो पेन से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो फाइनली गाइस मैं बाइक अभी ज़्यादा नहीं राइड कर पा रहा था तेज़, तो इनको हमको जल्दी पहुँचना था वहाँ पे, इसलिए मैंने अपनी वाली बाइक वहीं पे ड्रॉप कर दी पेट्रोल पंप पे। तो अभी अब आया शोएब भाई के साथ, क्योंकि पहले अपनी सेफ्टी है यार, जब आपको लगे कि आप बाइक चला सकते हो तो ठीक है, नहीं चला सकते हो तो छोड़ दो। तो मैं राइड कर रहा था, तो क्योंकि ब्लड आ रहा है टांग में, तो उसको भी वॉश करना है किसी जगह, अभी मैंने सामान तो लाया हुआ है वॉश करने के लिए। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए KTM के शोरूम के पास, यहाँ पे देखो गाड़ी हमें आ रही है, हमारी वाली कहाँ पे लगी है पता नहीं है, बाहर तो नहीं लगी है कोई एक, पहले वो भी देखेंगे। हाँ यहाँ पे यहीं पे रखो भाई, बाहर देख लो, बाहर मत कोई है क्या, यहाँ पे तो नहीं है। चलो अभी अब फाइनली अंदर ही चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है भाई, मेरे को चल ही नहीं पा रहा हूँ, बंदा नहीं आया हुआ है, हम ही सिर्फ आए हुए हैं और कोई नहीं आया हुआ है। ये चेक करिए बाइक की हालत क्या है, मेरे को लगता है इसका पैनल ही गया हुआ है शायद से, यहाँ भी स्क्रैच लगे हुए हैं, ये तो इसने खोला हुआ है अभी, ये पूरा ब्रेक हुआ है, पता नहीं कैसे किधर ठोक दी है, ये देखो ना। कॉल करेंगे यार, हाल देखो बाइक की क्या की हुई है यार उसने, अभी क्यों नहीं आया पता नहीं यार,
पार्ट कितने का मिलेगा? ये जो ये वाला फ्रंट वाइज है उन्नीस सौ क्या है? ये 2000 का होगा। तो बस ये है कि हमने बोला कि फ्रंट वाला वाइजर जो है 2000 का पड़ेगा। अब फेयरिंग का कुछ मेजर तो नहीं है, यहाँ से बची हुई थोड़ी सी वो भी ठीक कर देंगे। वो तो फेयरिंग का देख लेंगे, उसका रैप शैप करवा देंगे, दोबारा से और खर्चा करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। अभी भैया इसका वाइजर अवेलेबल है? ये वाला जो वाइजर भाई, ये वाइजर था अभी जो ये टूटा हुआ है, पूरा क्रैक हुआ है बड़ी जगह से। भाई ये चेक करो, यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी है, ये भी स्क्रैच लगा हुआ है, तो इन दो जगह भी स्क्रैच पड़े हुए हैं भाई। कोई ना, अभी जो इसका पैनल है वो भी चेंज करवाना होगा हमको, आई थिंक, क्योंकि पता नहीं उसकी हालत क्या है उस पैनल की, वो भी चेक करना पड़ेगा हमको, पैनल कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वारंटी में चले गया हुआ है। भाई मेरी हालत तो ऐसी नहीं थी कि भाई अगर मेरी हालत ठीक होती ना, उस बंदे को मैं मार देता कसम से यार। आधी पेमेंट दे के ऐसी बाइक की हालत कर दी है उस बंदे ने, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे आगे का। पता नहीं है क्या रिम का भी सीन क्या है। चलो अभी चलते हैं हम बाहर, बाहर करते हैं बात आराम से। तो फाइनली गाइस अभी हम यहाँ से निकल, मैं आराम से चलता हूँ यार, क्या करेंगे यार। उसके एटीएम वाले की भी एक तो पैसे खा गए, ऊपर से वो ड्रामे कर रहा है, उधर से बाइक भी ठोक दी है बंदे ने, तो दिमाग खराब बहुत ज्यादा हो रहा है यार। एक तो पहले उसने बंदे ने बोला मैं पेमेंट करूंगा, दूसरे ने बाइक चलाई उसने ठोकी, हम झेल रहे हैं भाई। भाई एक चीज बताओ ना, शुक्र बड़ो कि हमने आरसी ले ली थी उससे, पता नहीं वो कल क्या कर दे, तो डॉक्यूमेंट तो हमारे पास थे, ऊपर से वही है ना। चलो हम चलते हैं उसके पास, घर जाएंगे उसके यार, क्या सीन है। हाँ घर ही चलेंगे, और क्या करना है अभी। चलो उसके घर चलते हैं, चलो पैसे ही ट्रांसफर करेंगे उसको भाई, बाइक ले लेंगे उससे, तो वही है ना। ठीक है अंकल, चलो ठीक है अंकल हम निकलते हैं। तो 2000 years later. फिर मैंने जाकर आपको बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा, मेरे से आपको पहले ही बोला था कि मुझे जैसे आप केयर करते हैं वैसे ही। मेरे को भी कैसा दोस्ती होगी, ऐसी बात नहीं है कि तू मेरे साथ दिल से कनेक्ट हो गया, पता है एक रियल फ्रेंडशिप जो है मैंने तो दोस्त माना हुआ है। लेकिन अगर तूने कल ही बोल दिया होता कि बाइक मेरे से टूट गई है, तो मेरे को क्या था, कुछ नहीं होता। बाइक क्या है, बाइक ही है ना, बाइक बन जाती है, बंदा ठीक होना चाहिए। ये बता इसमें ज्यादा तो नहीं लगी है तेरे को? तो ये कल नहीं लगा था, कल ये हील हो रहा है ना, ये तो हील हो रहा है, ये हील हो रहा है। ये बाइक का, अगर बाइक का सीन थोड़ी होता है यार, मेरे को लगे कि मैंने सोचा यार पैशन वैशन से गिरी है बाइक के आगे, फेयरिंग मेरी खत्म है आगे से, वाइजर जो है पूरा। हां मैंने नहीं बताया था, मैंने शोरूम में देखा थी। फिर आप लोगों किसी ने फोन किया था? हां केटीएम वाले ने बोला मेरे को, बोलते तेरे नाम की जो है ये बाइक है, यहाँ पे फोन नंबर रजिस्टर्ड है मेरा वहाँ पे केटीएम में। उन्होंने कॉल किया, बोलते डॉक्यूमेंट्स ला के दे दो, दो दिन से बाइक खड़ी हुई है। कम से कम मुझे तो बता देना था यार बाइक एक्सीडेंट हो गया है। फिर दोस्ती किस चीज़ की? डॉक्टर के साथ दोस्ती है यार, जीएमसी में आए हुए हैं यहाँ पे, वही बात होगी ना फिर। तुम क्या करना चाहते हो, जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे ना। मैं तो जो ये बोलेगा आज वही। अच्छा बैठ इसके साथ, दर्दी है बहुत ज्यादा। अब इसको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि हमने सोचा इसको मनाली भी अपने साथ लेके जाना है। चलना है बोल, मैंने आपको कल नहीं सुनाया था ना यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता यार, होता रहता है यार, हम भी यही करते हैं यार। सीधी बात जो है, अगर क्योंकि शर्मिंदगी हो गई जाती है बंदे को यार, कि भाई बाइक दी थी ड्रीम के साथ, इतना प्यार था हमें, अगर ठुक गई तो ये गलती तो मुझे कुछ शर्म आ रही ना, मैंने आपसे कल झूठ बोला ना, कोई सीन नहीं है यार, मेरे को तो ये फ्रेंडशिप तो पक्की है ना, है ड्रीम का जो आप बोलोगे वो करेंगे। अब तुम जो तेरा मन करे वो अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था एक KTM 390 ऑन करना, क्योंकि तेरा ना ड्रीम था, ड्रीम कम ट्रू था ना। अब
मुझे पता है कि जो तुझे अच्छा लगेगा ना तो मैं कभी कुछ बोलूंगा तेरे को, जो तुझे सही लगेगा अपने भाई को, मेरे को एज अ कस्टमर मैं नहीं तेरे को देख रहा, ब्रदर देख रहे हैं, मैंने पहले से ही नहीं देखा, मैंने एज अ भाई देखा हुआ, जैसे ये मेरा भाई है ना ऐसे ही तू भी है मेरा भाई, सीधी बात हुआ है भाई। अब तू बता दे फिर क्या कर सकता हूँ, या तो अभी जो खर्चा लग रहा है भाई को लगा दो मुझे पहले। नहीं यार खर्चे की बात कर रहा है, खर्चा तो मैं भी दे सकता हूं दोबारा से यार भाई, सो बोल गए तो खर्चे की बात। आपके जैसे तो ड्रीम ले लोगे जैसे तुझे अच्छा लगे यार, जो 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 तेरा मन है, देख खर्चा वर्चा क्या यार मैं करवा लूंगा, इंश्योरेंस का क्लेम लेना है, इंश्योरेंस क्लेम करा देंगे उससे ₹200 आएगा खर्चा बस, के जो जो नीचे वाला जो फैन जो है ना कूलेंट वाला उसको वो भी हिट हुआ है पीछे से प्रेशर से, और ने फेयरिंग खोल दी हुई है पूरी एक तरफ से बाइक की, वो मैं कर लूंगा मैनेज कर लूंगा 4:30 को, मैं जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हैं तो दे दूंगा बाइक ले। तुम क्या चाहते हो ये बता, ए आप खुशी से बता, बस खुशी से बताओ, मूड ऑफ करके नहीं बताओ, अभी ऑफ करके बोलेगा तो तू तेरे को ही होगी बाइक ले जा, आरसी भी दे दूंगा कल, आरसी भी दे देंगे वो सीन नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है यार, बोल दे आरसी दे दूंगा सब कुछ, तू ले ले बाइक यार, जान दे नहीं देने पैसे छोड़, क्या बोलता तू, वो कोई नहीं है, बहुत सारी ऑडियंस हमारी ये बोलती दे दो बाइक को, बाइक अभी जो आपका मन कर रहा है वो बोलो तो वो कर देंगे। मेरा मन क्या करेगा, मेरा मन तो है भाई रखने का, अच्छा अभी तो खर्चे वगैरह जो लग रहा है तो लगा रहा हूँ मैं। अच्छा वो खर्चा कहाँ से लगना है फिर, वो तो बड़ा होना है इंश्योरेंस का, जो अगर ग्रिल जो उसने बोला कि कूलेंट का जो आगे मिनिमम अगर उसको वही वाला खर्चा रखेंगे ना, कितने तो का वो अगर कूलेंट ग्रिल चेंज करेंगे, फेयरिंग साइड पैनल जो बोल रहे हैं वो क्रैक है वो चेंज करना है और फर्टिलाइजर, तो 15,000 जा रहा है, 16-17,000 जाएगा वो। तो चलो फिर बताओ यार जो तुम्हें सही लगे, मुझे पता है तू कुछ खामोश है, सोच ही रहा है कुछ, सोच ये रहा हूँ कि मतलब पहले मैं अगर खर्चे से लगा दूंगा ना बाइक पे तो फिर मैं आपको वापस दे दूंगा, क्योंकि मैं आपको नहीं बोल पाई ना, नहीं यार सुन ना मेरे खर्चे की बात ही नहीं है, खर्चा क्या बाइक इंश्योरेंस भाई होना, इंश्योरेंस क्लेम कर देगा, जो इंश्योरेंस की फीस है वो शोएब इससे तू ले सकता है अगर तुझे लेनी है, मैं क्यों लूं इससे, नहीं यार भाई अपने बात खर्चे की बात दोबारा कर रहा है यार, ऐसे भी घर वाले मेरे पीछे पड़े कि उन्होंने बोला कि जिससे बाइक ली उसको वापस दे दो भाई, क्यों यार देखना तुझे भी इतनी लग रही है, घर वालों को पता है कितनी ज्यादा फ्रैक्चर हुआ है पूरा, ये चीज है ये चीज पूरा, मेरा हाथ ऐसे था यही नहीं बता पा रहा था, जो मेन रीजन नहीं बता पा रहा था मैं आपको, तो घर वाले क्या बोलते हैं, घर वाले बोल रहे जिससे बाइक ली उसको वापस दे दो भाई, तो मैं अभी खर्चे खर्चा लगा के सीधा अच्छे से कर दूंगा, तो नहीं तुम्हारे खर्चे की टेंशन नहीं है यार, तो खर्चे के और फ्रेंडशिप किस लिए की है, पर खर्चे के लिए की थी, खर्चा लगा भाई भाई बनाया हुआ है तो खर्चा क्यों करना है ना, चाहे अगर तुमने उसको भाई बना दिया एक बार अपना तो फिर खर्चा खुद से भरूंगा, मेरे को क्या है, इतना थोड़ी ना मेरे पास पैसे नहीं है, क्लेम ले लेंगे इंश्योरेंस वाला, कितना फीस देनी है ₹500 मेरे को ले लेंगे, वो जो फेयरिंग वाली फ्रंट है तो बाइक फिर मैं ही रख लूँ, मतलब क्या बोलता है, ठीक है ले लेना कोई बात नहीं, कल ले लेना कल जब फिर पेमेंट का एक काम करेंगे, फिर पेमेंट आपको इस टाइम करेंगे मॉर्निंग में कर देंगे, अब छोड़ो जब मॉर्निंग में कर देंगे इस टाइम, पता नहीं क्या सीन होगा, भरोसा अगर आगे अगर आप बोल रहे मुझे भाई की मैं ऐसे कर दूंगा कोई बात नहीं, जब अगर मन करे तो कोई ना यार भाई वो हम खुद कर लेंगे, फिर एक काम करेंगे कल मॉर्निंग में इसको पेमेंट कर देंगे जितनी इसने डाली है वाला, वो वापस कर देंगे इसको ट्रांजेक्शन, क्योंकि आज हम करेंगे इसको अभी करेंगे 50,000 ठीक है, घर जाके 50,000 कर देंगे तो कल 50 करेंगे, उससे क्या होगा कि ट्रांजेक्शन 50-50 होगी ना, चल दे देंगे यार आज ही दे, अगर तेरे को अभी चाहिए पैसे अभी देंगे, अभी नहीं कल 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 ही तो ठीक है, फिर इसको कल पेमेंट कर देंगे ना पेरेंट्स, अब बता ड्रीम जब भी तेरे को राइड करनी होगी हमारे पास ही रहेगा, वो कोई नहीं यार मनाली वैसे भी चल रहा है, मनाली तो जा रहा है तुम्हारे साथ भाई, ड्रीम हो तेरे पास जाना हो मनाली बंदा जा रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारी ऑडियंस को भी इसके साथ प्यार हो गया ना बंदा, तो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, तो कैमरा की जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड हो गई, हम करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय।